देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर जो है आरएस अग्रवाल से वहीं से शुरू किए हैं, है ना। लास्ट वाले क्लास में बताए थे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, उसमें हम लास्ट डे क्या डिस्कस किए थे, वीडियो डाल देंगे आज हम, कल नहीं डाल पाए थे, आज वीडियो हम अपलोड डाल देते। क्या पढ़ाए हुए थे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी शुरुआत में हम आप लोगों को, लास्ट वाले क्लास में पढ़ाए थे कि फंक्शंस किसे कहते हैं, फंक्शन कितने सारे तरीके का होता है, फंक्शंस का ग्राफ कैसा कैसा होता है, और ग्राफ देखकर कैसे समझेंगे कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन बिना ग्राफ के अगर पता करना हो कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, वो मेरा आज का मुद्दा है। लेकिन उसके बारे में हम लास्ट डे भी फॉर्मूला जरूर लिखाए थे। हम बोले थे कि अ फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है कौन एफ एक्स, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। एक फंक्शन है कौन एफ एक्स, उस फंक्शन को एक्स बराबर ए बिंदु पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा। लेकिन कब कहा जाएगा कंटिन्यूअस, जब इफ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसको डायरेक्ट बगले में लिख देते हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों एक दूसरे का क्या हो, इक्वल हो, यानी किसी भी फंक्शन को किसी पार्टिकुलर बिंदु पर कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा जब जिसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान के चलिए कि आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, रोड पर आप जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, आप यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं आप अपना, और आपका आदमी बहुत पीछे है, वो आपसे पूछ रहा है कि भैया आगे का रास्ता ठीक है कि नहीं है, मतलब आगे जो आप जा रहे हैं उस आगे का रास्ता ठीक है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया रास्ता, तो रास्ता ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए चेक करने का दो तरीका है, या तो थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे रास्ता ठीक है कि नहीं, कि पहुँच जाएंगे वहाँ तब बताएंगे उसको, हम थोड़ा आगे बढ़ के देख लेंगे, अगर हमसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे मतलब इस एरिया का रास्ता ठीक है कि नहीं, तो थोड़ा आगे बढ़ के देखेंगे रास्ता ठीक है कि नहीं, थोड़ा पीछे बढ़ के भी देख लेंगे कि रास्ता ठीक है कि नहीं, आ इस जगह पे हम जहाँ खड़े हैं वहाँ का रास्ता ठीक है कि नहीं, तो अगर थोड़ा आगे गए हम वहाँ का रास्ता भी ठीक है, थोड़ा पीछे गए वहाँ का रास्ता भी ठीक है, और जहाँ खड़े हैं ये रास्ता भी ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ इस एरिया का रास्ता ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर एरिया का रास्ता सही है या नहीं है, इसके लिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे और उस जगह तीनों देख लीजिए, तो वही बात है। अगर किसी पॉइंट पर कोई बिंदु कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये अगर चेक करना हो तो उस पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ के देख लीजिए क्या वहाँ कंटिन्यूअस है, थोड़ा सा पीछे बढ़ के देखना होगा क्या यहाँ भी कंटिन्यूअस है, और एग्जैक्टली उस बिंदु पर भी देखना होगा क्या, अगर तीनों इक्वल आ गया, थोड़ा आगे बढ़ के चेक किए वहाँ का वैल्यू, थोड़ा पीछे बढ़ के चेक किए वहाँ का वैल्यू, और एग्जैक्टली वहाँ का वैल्यू, तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब कंटिन्यूअस है। तो ग्राफ बिना बताए हुए, बिना ग्राफ के अगर हमको चेक करना हो कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो ए से थोड़ा पीछे जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ए से थोड़ा आगे जिसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और एफ ए तीनों निकालेंगे, और तीनों इक्वल आ गया मतलब मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अभी क्वेश्चन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो वो बताते चलते हैं, जरा समझते जाइए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला समझिए क्या है, इसका फॉर्मूला है लिमिट, अभी किस बिंदु पर चेक करना है, ए बिंदु पर चेक करना है, तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ए माइनस का मतलब होता है ए से थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये बिंदु है ए, ए से थोड़ा पीछे आ गया मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया ना, ए से थोड़ा आगे चला गया मतलब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इस फंक्शन का, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे तुम्हें बताओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस मतलब ए से थोड़ा बड़ा वैल्यू, और किस फंक्शन के लिए, एफ एक्स फंक्शन के लिए, और तीसरा निकालेंगे एफ ए, एफ ए मतलब तो होता है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए बैठा दीजिए, और तीनों का आंसर अगर क्या आ गया, सेम आ गया, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। दूगो का सेम आया तीसरा गड़बड़ आ गया तो कंटिन्यूअस नहीं है, तीनों एग्जैक्टली सेम होना चाहिए तभी मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। आगे बढ़े, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, लेकिन एक और फॉर्मूला आप रट ही लीजिए, कहीं पे भी इस सिस्टम आगे भी याद रखिएगा,
लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और एफ एक्स लिखा रहेगा। अगर इसको तोड़ना हो तो इसको तोड़ने का तरीका देखो क्या है, सीधे लिखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या लिखेगा एच टेंड्स टू जीरो, चुपचाप इधर एक्स रहे ए रहे कुछ रहे हमको कोई मतलब नहीं है, सीधे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इधर साइड मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा मेरा ए माइनस एच, क्या हो जाएगा ए माइनस एच, बात समझ रहे हैं। और राइट हैंड लिमिट तोड़ने का तरीका, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब फंक्शन हो जाएगा मेरा कितना ए प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। ए बिंदु जिस बिंदु पर बोलेगा कंटिन्यूटी चेक करना है, ए क्या है तो वो बिंदु है जिस बिंदु पर कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया थ्योरी, हम एक क्वेश्चन को पहले एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन बताते हैं, फिर सिग्नम क्वेश्चन के बारे में भी, सिग्नम फंक्शन भी बताएंगे। बताया था ना कल सिग्नम फंक्शन, सिग्नम था कि सिंगम था, सिग्नम था। चलिए देखिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर टू, आपको चेक करना है कि ये एक्स बराबर टू पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। आपको फंक्शन हमने दे दिया, क्या फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, किस बिंदु पर चेक करना है तो टू पर चेक करना है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए चेक किया जाए, आप समझ गए ना ए क्या है, ए है अपना टू। चलो बुआ निकाला जाए लेफ्ट हैंड लिमिट, बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस, नहीं सिखाए हैं ए माइनस मतलब टू माइनस, फंक्शन में क्या हो जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स कौन है तेरा, डायरेक्ट बोलो ना एक्स क्यूब। चलो राइट हैंड लिमिट भी निकाल बुआ, लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या लिखेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू प्लस, और फंक्शन जो है उतारो, फंक्शन तो आपको जो है उतारना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, उतार दिए। एफ ए लास्ट में निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देख लो। चलो अब अगला क्या करेंगे, लिमिट रटाए हैं एच टेंड्स टू जीरो, दिमाग में रट लीजिए कि अगला लाइन हमको h टेंड्स टू जीरो ही लिखना है, क्योंकि h लगभग किसके बराबर है, जीरो के। लिमिट कंसेप्ट क्लास 11 में बताए थे तो उम्मीद है आपको याद होगा, अभी सिर्फ सॉल्व करना सीखिए, कंसेप्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं। h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा a माइनस एच, ए माइनस एच मतलब टू माइनस एच का होल क्यूब, समझ रहे हैं आप, टू माइनस एच का होल क्यूब। निचल का वाला क्या होगा बताइए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू प्लस एच का होल क्यूब। भाई मेरे एक्स के जगह कौन आ गया, टू माइनस एच लेफ्ट हैंड में और टू प्लस एच राइट हैंड में। अब इसको तोड़िए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो को एच टेंड्स टू जीरो ही रहने दीजिए, जरा ए माइनस बी का होल क्यूब आता है, अब अभी नहीं डालेंगे, यही तो सबसे बड़ा गलती है आजकल का बच्चा सबका, घुसा जाता है तुरंत है। इसको पहले तोड़िए, तोड़िए इसको, क्या होगा, हाँ आठ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस था ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ ठीक है ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर इंटू एच, अब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री इंटू टू इंटू एच स्क्वायर, तो यानी कुल मिला के आंसर आ रहा है क्या, वो खाली बताइए हमको, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो आठ माइनस एच क्यूब माइनस ट्वेल्व एच प्लस सिक्स एच स्क्वायर, देखो सही लिखें नहीं लिखें, इसको तोड़िए जरा नीचे, अच्छा कर दिया वहां तक, अब जहां जहां एच है ना वहां वहां अब जीरो डाल दो, तोड़ने के बाद पहले नहीं, कई बार कोइंसिडेंटली आंसर वही आएगा, लेकिन आप पहले तोड़िए, प्रोसेस समझिए, पहले तोड़ेंगे पूरा तब देखेंगे, कई बार एच कटता है आगे में, तो तोड़ दिए पूरा, अब एच की जगह जीरो डालो तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कहानी आंसर क्या आया, चलो इसका निकाला जाए, इसका क्या होगा,
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए प्लस एच का होल क्यूब है, तो बाकी तो सब सेम ही उतरेगा, बस खाली जहां माइनस होगा क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस एच क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर, जहां जहां h है वहां वहां जीरो डाल दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 8। तो देख रहे हैं अभी तक हमको क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया, सेम आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आया। अब चलो एफ ए निकाला जाए, अरे एफ एक्स बराबर क्या है एक्स क्यूब, तो एफ ए बराबर ए क्यूब, तो एफ टू बराबर टू का क्यूब, तो निकालिए टू का क्यूब कितना आया, तो आप देखिए जरा गौर से, आपका एफ टू, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, आपका राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर क्या आ रहा है इक्वल, तो लिखेंगे हेयर हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है किसके, राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर है एफ टू के, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, देयरफोर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब मेरा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, किस बिंदु पर एट एक्स बराबर टू। बात समझ में आया कि नहीं आया, नोट करिए इसको जल्दी से। अगला टाइप का क्वेश्चन देखो, एक और फंक्शन देखो क्या है, सिग्नम फंक्शन है बुआई, एफ एक्स बराबर है 3x माइनस 2 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, और दिया हुआ है x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, आपको चेक करना है एट x बराबर 0 पर, पकड़िए इसको, देखिए क्वेश्चन समझिए जरा, क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे दिया है, ऐसे फंक्शंस को सिग्नम फंक्शन कहते हैं, क्या फंक्शन सिग्नम फंक्शन कहते हैं, इसमें कह रहा है कि आपका एक्स का वैल्यू अगर जीरो या जीरो से छोटा है तो आपको ये फंक्शन चुनना होगा ऊपर वाला, और अगर आपका वैल्यू एक्स जो कि जीरो से बड़ा है तो आपको नीचे वाला फंक्शन चुनना होगा, है दो का फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है लेकिन कंडीशनल है, कंडीशन है इससे जीरो हो तो वो चुनिए, बड़ा हो तो ये चुनिए, छोटा हो तो वो चुनिए, इस टाइप का है। अब x बराबर जीरो इस बिंदु पर चेक करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो मेरा a कौन है, a हाँ हट जीरो है, जानवर कहीं का, तुमसे ज्यादा बढ़िया तो ये लड़का है, पहला दिन आया है लेकिन सब समझ गया, a कौन है मेरा जीरो, a कौन है, a कन्फर्म हो गया। अब हमको इसी पर चेक करना है, जीरो बिंदु पर ही चेक करना है कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब उसके लिए तो मालूम है आपको क्या निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए, तो चलो एक बार निकालते हैं कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकाला जाएगा किसको राइट हैंड लिमिट को, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, फॉर्मूला लिखाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, ए मेरा जीरो है ना, इस क्वेश्चन में ए कौन है तो जीरो माइनस एफ एक्स, आई बार फंक्शन में कौन उतरेगा हमको बताओ, जीरो माइनस मतलब सुन लो पहले दिमाग में बैठा लो, जीरो माइनस मतलब जीरो से थोड़ा छोटा, और जीरो से थोड़ा छोटा तो ऊपर वाला कि नीचे वाला, एक्स अगर जीरो से थोड़ा छोटा है तो ऊपर वाला फंक्शन काम आएगा बउआ, तो हो गया 3x माइनस 2, लेकिन वही अगर आर एच एल रहता राइट हैंड लिमिट रहता तब क्या होता जरा देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा, थोड़ा ही बड़ा लेकिन बड़ा है ना, तो x अगर 0 से बड़ा है तो नीचे वाला फंक्शन, तब यहां फंक्शन आपको यूज होगा कौन x प्लस 1, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अब आगे बनाते हैं, अगला स्टेप आपको याद होगा क्या, h टेंड्स टू 0 चिपका दिए, ठीक अगले स्टेप में जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एच, यहां जहां x है वहां वहां a माइनस एच मतलब 0 माइनस एच, लास्ट में माइनस टू, यहां जहां जहां ये तो भाई एच टेंड टू जीरो ही जाएगा, यहां भी जहां जहां एक्स है वहां वहां जाएगा ए प्लस एच, यानी कि जीरो प्लस एच लास्ट में प्लस वन, देख रहे हैं कि नहीं क्या किए, ए माइनस एच डाले हैं एक्स के जगह ले ले चल में, और ए प्लस एच डाले हैं एक्स के जगह अरे चल में, देखते हैं आंसर क्या आता है, यहां का आंसर देखा जाए क्या आ रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो गुना करो बुआ जरा फटाफट, माइनस थ्री एच माइनस टू यही आएगा ना, नीचे भी गुना करिए जल्दी फटाफट, गुना नहीं होगा डायरेक्ट लिखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच प्लस वन, चलो अब एच की जगह जीरो डाल दो, नाउ पुट एच की जगह जीरो, आंसर आ रहा है माइनस टू, क्योंकि ये तो जीरो हो गया तो आंसर खाली माइनस टू बचा,
और यहां इसके जगह जीरो डालो, क्या तुमको लगता है कि LHL बराबर आया है RHL के? जब ये दोनों बराबर आया ही नहीं है तो तीसरा निकालने का जरूरत नहीं है, FA सीधे बोल देना है कि क्योंकि LHL RHL के बराबर नहीं है इसलिए ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट जीरो, जीरो बिंदु पर हमारा ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आया? अरे जितना भी क्वेश्चन होगा ना उसमें कंटिन्यूअस है कि नहीं है यही आपको पूछ रहा है, और कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए इक्वल होगा, अगर तीनों इक्वल में से कोई दो इक्वल है नहीं है, मतलब गड़बड़ा गया, तीनों इक्वल नहीं है तो सीधा कह देना है कि डिसकंटिन्यूअस है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बुक लो जरा इधर, बनाए थे 11th में, बिल्कुल सही बोल रहा है, 11th में थोड़ा बहुत था। जरा एक काम करो, जो क्वेश्चन आपको बना कर लाना है, अगले दिन नहीं बना तो फिर हम बताएंगे भी, आपको बना कर लाना है 9A जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी क्लास 12 का आर एस अग्रवाल के बुक में, जो 9A एक्सरसाइज है, इस 9A एक्सरसाइज का आप क्या करिएगा कि कम से कम 16 तक के क्वेश्चन को बना लीजिएगा, 1 to 16, 1 से 16 तक का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, उसके बाद का क्वेश्चन यानी दो पार्ट्स में बनाएंगे इस पूरे एक्सरसाइज को। 9A का 1 से 16 तक का क्वेश्चन आपको हम बता दिए इसी रूप से बनेगा, आप बना लीजिएगा। 16 के बाद का क्वेश्चन का थोड़ा सा फिर अलग है, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, और अगले दिन 9A ख़त्म करेंगे पूरा। देखो जितना बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, इतना बेसिक तरीके से भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे टाइम निकालिए। अरे 12th का बच्चा 3 घंटा भी अगर मैथ सेल्फ स्टडी नहीं करेगा घर पे, तो मैथ समझ में आने का फिर चीज नहीं है। मैथ में सेल्फ स्टडी मांगता है, टीचर दुनिया का कितना भी बढ़िया डाल ले आइए, आप नहीं पढ़िएगा तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा।